मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र गली पातिराम के मामले का आनंद नाम के शख्स को गायब कराने के आरोप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में आनंद का भतीजा सनी अपने चाचा को गायब कराने का आरोप अपने भाई और आनंद की पत्नी पर लगा रहा है। चाचा जी हैं आनंद शर्मा, सनोव राधा रमन शर्मा, पातिराम गली, मंडी रामदास, मथुरा, मकान नंबर 2116। ये 4 महीने से लापता है, ये हमारे जिसे लेकर गायब होने वाले शख्स आनंद की ओर से कहा गया है कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूं और दर्शन देवी उल्टा उनके परिवार को गलत मुकदमे में फंसाना चाहती है। लगाए गए आरोप झूठे हैं। ये हमारी चाची जी हैं दर्शन देवी जी, उन्होंने थोड़ा पोस्ट किया था 8/13/2022। ये दर्शन देवी झूठा आरोप लगा रही है मेरे बच्चों पे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नशा मुक्ति केंद्र में हूँ, मेरे बच्चों की कोई भी गलती नहीं है और दर्शन देवी के किसी भी बहकावे में नहीं आवे कोई भी, ये मेरा हाथ छोड़ के दबे था और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे बड़े लड़के का भी तो मैंने ये पता नहीं है, हालांकि वो धक्का करता है, इसमें करता है, चोरी करने लग जाता है, बस फिर भी पता नहीं कहाँ गायब है। हो सकता है इन लोगों ने करा दिया हो, मैं अपना इलाज कराने के बाद नशा मुक्ति मैं वापस मथुरा आऊँगा। सनी ने भी दूसरा वीडियो जारी कर बताया है कि दर्शन देवी ने दबाव डालकर यह वीडियो बनवाया था, मैंने जो उस वीडियो में कहा था वह सब झूठ है और मुझे जेल भेजने की धमकी दी गई थी। और ये वीडियो जो है सब झूठ है, मेरे को जवाब बनाकर ये वीडियो बनाया गया और मेरे भाई प्रमोद शर्मा कोई ये मतलब सब गलत है, उनके बारे में जो मैंने बोला ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ सच्चता ही नहीं है, उनके मुकदमे में फंसाने की एविज में जवाब बनाया था और इसमें कोई सच्चता ही नहीं है। और मैं जो हमारे चाचा जी हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में